सिक्योरिटी वाला इतना देर से गेट लगा रहा है। शरीर समय खिला देता है यार। लगता है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा जी, क्योंकि विधायक की आंकड़ा को देखिए तो उन्होंने 3 विधायक को इधर से अपना तरफ जबरदस्ती बैठाया तो उनका 5 विधायक गायब हैं। अक्रॉस बोर्डिंग भी होगा, 100% होगा जी जी। कौन होगा मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव जी। और अभी फ्लोर टेस्ट चल रहा है तो इस पर क्या नजर बनाए रखे हैं, क्या लग रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो कि हम राजनीति से कोसों दूर हैं, ठीक है। उसके बाद में सरकार किसी का भी हो, RJD का हो या नीतीश जी का हो या मोदी जी का हो या लालू जी का हो, मतलब देश के हित में काम हो, सरकार किसी का भी हो, बस। और कुछ मतलब कि व्यक्तिगत रूप से कोई पार्टी अच्छी लगती हो या कोई नेता अच्छे लगते हो? नहीं, काम जो अच्छा करेगा उसके लिए मतलब पूरा मतलब सपोर्ट है। अच्छा, तो नीतीश जी कैसे लगते हैं? नीतीश जी ठीक हैं। नीतीश जी को आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने रहें? बिल्कुल। बिहार का युवा भी देख रहा है, जनता देख रहा है कि उसके साथ किस तरह से छलावा कर रहे हैं अपने कुर्सी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो पूरी तरह से दिख रहा है। अब फैसला बस कुछ ही देर के बाकी है, वो आपको देखने मिल जाएगा। जनता का क्या मूड है, बहुत अच्छा है और अच्छा ही मैसेज आएगा और अच्छा सब दिख रहा है, एकदम अच्छा रहेगा बिल्कुल। कौन जीतेगा फ्लोर टेस्ट में? कौन क्या आप देखिए ना क्या होता है, अब थोड़ा देर में कुछ ही आपको पता चल जाएगा। जब इतना दिन सबर कर लिए, इतना घंटा, कुछ देर और सबर कर लीजिए, उसका फल तो मिल ही जाएगा। अब मिलना तय है, बोलते हैं ना कि जरा थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फल तो बहुत मीठा मिलेगा, वही बात है, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी जी जो हैं फ्लोर टेस्ट में हार जाएंगे, उनके कई भी अरे कई लोगों से कहने दीजिए ना, कई लोग को क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे पता है ना कौन है, शेर के बेटा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के, तो आज तक ले तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे जो बोले हैं, जो कहे हैं, जो वादा किए हैं वो निभाए हैं और वो करते आए हैं। आप नौकरी पे देख लीजिए, रोजगार पे देख लीजिए, बिहार में विकास को देख लीजिए, तो खेला तो होगा ही और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज भी आएगा जी। बिल्कुल एकदम तय है। क्या लगता है आप लोगों को क्या है स्थिति? बहुत अच्छा है अभी। अभी देखिए अभी हो ही रहा है, चुनाव हो रहा है अभी। अभी रुकिए, आप हटाइए माइक, हटाइए अभी। और अभी जो है फ्लोर टेस्ट हो रहा है, विश्वास मत का परीक्षण किया जा रहा है कि नीतीश सरकार को विश्वास मत मिलता है कि नहीं सभी विधायक। ठीक है तो इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, जनता क्या चाह रही है? अरे जनता तो चाहेगा कि सब अच्छा रहे, जो होना चाहिए, मतलब सरकार बचना चाहिए या बदल जाना चाहिए? अब बचना हमारा कहे से बच जाएगा या टूट जाएगा, ये सब हुआ पर ये बैठे हुए देर न सब जानेंगे, है कि ना है जी। आप क्या चाहते हैं, आपका अगर व्यक्तिगत पूछा जाए कि किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने? हम केकरा चाहेंगे हमारा कहे से बन जाएगा, वो अब सब जो बनेंगे वही अपना करेंगे। जैसे मन की इच्छा रहा हुआ ना, कि मन की इच्छा कुछ न बता सके बह। अरे हम कुछ ही बोले, इतना बेरोजगारी बहुत हो गया है। हम नीतीश कुमार है, जब काम मिलवे नहीं करता है, बालू बंद तो कभी गिट्टी बंद, काम मिलवे नहीं करता है, सरकार चेंज होना ही चाहिए। किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री? अब नया बढ़िया बढ़िया जो बिहार के देश चलाने वाला आदमी है वही बढ़िया, काम मिलवे नहीं करता है, बेरोजगारी जाता है। नीतीश कुमार तो जीत जाता है तो अपना घर में घुसा हुआ रहता है, आदमी या कमाए खाए वाला मर रहा है, 10 आदमी खाए वाला है, काम मिलवे नहीं करता। दारू भट्टी बंद है, डेग डेग पर दारू बिकिए रहा, महंगा पिया बीमारी
झुठो बंद की था दारू फारू जी के, तो महंगा बेचारा पी रहे पिए वाला, हम सब तो पीबे न करते हैं। अपना नाम बताइए। शुक्ल प्रसाद जा रहे। और क्या जा रहे हैं, क्या लग रहा है? अरे कहाँ है, तो हम तो गिरे नहीं, हम कहाँ बताऊँ। जैसे अभी सरकार के विश्वास मत के टेस्टिंग होते हुआ सदन में, तो एक पे क्या कहना है पटना के लोग? अच्छा जी जाता हुआ अच्छा बात है, अरे जी जाता अच्छा बात है। किसको जिताना चाहता है? अरे कहना है दुनिया में चलावे ना बढ़िया से भाई जी, उसका सरकार है। बताइए सर, शुभ नाम बताइए। गिरीश प्रसाद। और अभी जो फ्लोर टेस्ट चल रहा है सर, उस पर क्या कुछ है? क्या बोलेंगे, अब तो बहुमत, जिसका बहुमत है उसी का सरकार बनेगा। बहुमत तो जो है अब उसी सरकार की है, तो उन्हीं का बनेगा। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में क्या है ये तो जनता जाने, हम तो आप जानते हैं कि जिसका बहुमत है उसकी सरकार बनेगी। और बहुत तरह की अफवाहें भी उड़ रही थी कि मांझी बन जाएंगे, वो सब तो ऊपर ऊपर अफवाह तो फैलता है, उसका कोई अथि नहीं है। बिना बहुमत के तेजस्वी या मांझी बन जाएंगे सरकार, जिनका बहुमत है उसी को ना होगा। फ्लोर टेस्ट का उम्मीद था और कुछ विधायक बैठे हुए थे, सक्सेस नहीं हो पाए इसमें, और क्या बोले, आगे संघर्ष जारी रहेगा इसका, और ज़्यादातर विशेष कुछ बोल नहीं सकते, कहे कि अभी तो चल ही रहा है चुनाव, आगे देखा जाए। तेजस्वी जी कारण एक खेला होगा, उन्हीं के साथ हो गया, क्या कीजिएगा? तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से बिहार में नौनिहाल बच्चा है, सबसे पहले उसको विरोधी दल के नेता बनने पर हास्यास्पद हम बधाई देते हैं। और खेला की जो बात उन्होंने कहा था वो खेला नहीं था, उनको जानकारी था कि खेला हमारे साथ हो रहा है, और उनके साथ वो खेला हो गया। तेजस्वी यादव के साथ ही खेला हो गया, क्या कहिएगा? बिल्कुल, हम लोगों ने उनको झुनझुना दे दिया, खिलौना दे दिया, वो खेला खेलते रहे, खेला करते रहे, ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं। और बिहार में बहुमत सिद्ध हुआ NDA का, अब राम राज बिहार में चलने वाला है, तेजस्वी का सरकार खत्म हो गया। बिहार की जनता के हाथ में कमान होता है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में कमान होता है, जो भी चाहती है खेला वो। तेजस्वी जी को हार का सामना करना पड़ा, क्या सोचते हैं? तो पहले ही से हारना था, ऐसा थोड़ा है कि आज नया हारना था। खेला क्या होगा, नीतीश कुमार के साथ बहुमत था तो खेला क्या होता, नीतीश कुमार के साथ शुरू से बहुमत है। हाँ, अपने विधायकों को घर में बंद किए हुए थे, उनके विधायक ने पलटी मार दी, उनका विधायक तीन को पलटी मारे हैं, तो पहले ही से पलटे हुए थे, ऐसा थोड़े कि कल पलटी मारे, वो पहले ही से पलटे हुए थे, ये लोग बलजोरी रखे हुए थे राजद वाले पकड़ पकड़ के। क्या लगता है बिहार में विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, भाजपा का मतलब लोकतंत्र और विकास, शिष्टाचार, आदर्श, सारा भाजपा का ये सारा श्रृंगार है, और हमेशा विकास के रास्ते पे भाजपा चली, चाहे केंद्र की बात हो या किसी भी राज्य की बात, और बिहार में भी विकास होगा। आपको क्या लगता है? विकास तो संभव है, काहे कि नरेंद्र मोदी का आप देखिए रहे हैं, अब नीतीश जी भी आ गए हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल कर बिहार का विकास करने में सक्षम है लोग, पहले से भी करते आए हैं लोग, करेगा भी आगे। अब देख रहे हैं उनका सत्ता, माननीय मुख्यमंत्री ने क्या कारण से छोड़ के आया उनको, कहीं ना कहीं असमंजस का वातावरण था, उनको छोड़ना पड़ा, मजबूरी पड़ी, वो हमारे साथ आए और सरकार चलाने की बात हो रही है, सरकार बहुत खूबसूरती से चलेगा, आगे भी चला है। बिहार में अभी फ्लोर टेस्ट चल रहा है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो फ्लोर टेस्ट हो रहा है, मतलब 15 वर्षों में मेरे ख्याल से 9वां या 10वां बार ये फ्लोर टेस्ट हो रहा है, और विधानसभा का चुनाव होते होते हो सकता है कि एक दो बार और फ्लोर टेस्ट होने की नौबत आ जाए, क्योंकि यहाँ का सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी दल हो, सभी पलटी मार है, कभी भी पलट सकते हैं।